सो हाय एडिटर्स, स्वागत है आप सब दोस्तों का आज के एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर कैसे होंगे। सबसे पहले तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे वीडियो लेकर आने में काफी ज्यादा देर हो गई। उसकी मेन रीजन फ्रेंड्स ये है कि मैं एक विलेज में रहता हूँ और विलेज की लाइफ का आप लोगों को पता ही है कि कितनी ज्यादा मुश्किल होती है। मुझे वीडियो क्रिएट करने में जरा भी टाइम नहीं मिलता और इसी वजह से फ्रेंड मैं आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा लेट लेकर आता हूँ। और मुझे नहीं लगता फ्रेंड मैं आप लोगों को एक्सनो फाइल ज्यादा दिन तक प्रोवाइड कर पाऊंगा, इसीलिए फ्रेंड मैं आप लोगों को आज किस वीडियो में एक्सएमएल फाइल क्रिएट करना सिखाऊंगा कि एक्सएमएल फाइल को बनाया किस तरह से जाता है। और ये एक्सएमएल फाइल मैं आप लोगों को इस वीडियो पर 150 लाइक्स के बाद प्रोवाइड कर दूंगा। काफी भाइयों की रिक्वेस्ट भी है कि भाई हमें एक्सएमएल फाइल क्रिएट करना सिखाएं कि एक्सएमएल फाइल को आखिर बनाया कैसे जाता है। तो आज किस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किर्क सर्कल यूएसए की एक्सएमएल फाइल बनाना सिखाऊंगा। जैसे कलर ग्रेडिंग फ्रेंड्स आप लोग अपनी वीडियो पे देख रहे हैं, सेम इसी तरह की आप लोगों को मैं एक्सएमएल फाइल बहुत ही इजी स्टेप्स के अंदर बनाना सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने फ्रेंड्स इस वीडियो को सबसे पहले तो कर देना है लाइक, क्योंकि आप लोगों ने 150 लाइक्स का टारगेट भी कंप्लीट करना है और मुझे उम्मीद है आप सब दोस्त ये छोटा सा टारगेट बहुत जल्द कंप्लीट कर लोगे। और दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स आप लोगों ने इस वीडियो को कहीं से जरा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, वरना मैं आप लोगों को एक्सएमएल फाइल डायरेक्ट भी प्रोवाइड कर सकता था। लेकिन फ्रेंड मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप लोगों को खुद एक्सएमएल फाइल जनरेट करना आ जाए। आप लोग जिसकी भी वीडियो देखो आप लोग उसका एक्सएमएल फाइल खुद जनरेट कर लो और आप लोगों को किसी से भी एक्सएमएल फाइल परचेज करना ना पड़े। एक्सएमएल फाइल फ्रेंड बनाना बहुत ज्यादा इजी है। मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आज किस वीडियो में एक्सएमएल फाइल जनरेट करना सिखाने वाला हूं। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट वॉच करना है। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप में से कोई भी भाई मेरे टेलीग्राम चैनल में जिसमें बोल बाय बोल हाइलाइट्स के ऑल मैचेस मौजूद हैं ऐड होना चाहता है तो वो जल्दी से व्हाट्सएप पे आ जाए। आप लोग अपनी स्क्रीन पे फ्रेंड देख भी सकते हैं इसमें आईसीसी के ऑल मैचेस तो मौजूद हैं, इसके अलावा आप लोगों को इसमें बाकी टूर्नामेंट्स के भी मैचेस देखने को मिला करेंगे। और मैं इसमें डेली के मैचेस अपलोड भी करता हूं, तो जो भाई भी इसमें ऐड होना चाहता है तो वो जल्दी से व्हाट्सएप पे चला आए। तो फ्रेंड मैं आ चुका हूँ लाइट मोशन एप्लीकेशन पे। एक बार मैं एक्सएमएल फाइल को कर देता हूँ डिलीट, उसके बाद हम बिल्कुल स्टार्ट से एक्सएमएल फाइल जनरेट करते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है, उसके बाद फ्रेंड आपने इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने एक शेप ऐड कर लेनी है। तो मैं यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, एक शेप ऐड कर ली। उसके बाद फ्रेंड आपने ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फिल टू कॉम्पोजिशन एरिया कर देना है। उसके बाद आपने इसका कलर को कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने ओवरले वाली शेप पे क्लिक करना है। और उसके बाद फ्रेंड आप लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली शेप का कलर व्हाइट रख लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे राइट साइड वाली शेप का कलर ब्लैक रख लेना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो दरमियान में लाइन नजर आ रही होगी आपने इसे पकड़ना है और एक साइड में सेम इसी तरीके से लाकर एडजस्ट कर देना है। आपने फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से इस लाइन को 90 के एंगल पे एडजस्ट करना है। जो डार्क वाला नीचे वाला कलर है आपने इसको इसी तरीके से नीचे की तरफ एडजस्ट करना है, बिल्कुल आपने नीचे से कर देना है। और जो व्हाइट वाला ऊपर सर्कल है उसको आपने थोड़ा सा दरमियान में रख लेना है। सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स आपने इसे 90 के एंगल पर रख लेना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने सिंपली यहाँ पे चले आना है बैक, बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपने चले आना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ बैक और उसके बाद फ्रेंड्स आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लाइटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कलर डोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने उसकी ओपेसिटी को 46 तक रख लेना है। 46 पॉइंट तक करने के बाद फ्रेंड्स ये ओवरले हमारी वीडियो में ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने प्लस वाले आइकन पे फिर से क्लिक करना है और इस बार आपने एक सर्कल ऐड करना है। सर्कल की आपने शेप फ्रेंड्स कुछ इस तरीके की बना लेनी है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। सेम इसी तरीके से आपने सर्कल को एडजस्ट कर लेना है अपनी वीडियो में। उसके बाद आपने इसे फेस के ऊपर सेम इसी तरीके से वीडियो के दरमियान में एडजस्ट कर देना है, बिल्कुल आप इसे दरमियान में रखना। उसके बाद आपने ब्लेंडिंग एंड सॉरी आपने कलर एंड फिल पे आकर इसका कलर व्हाइट रखना है और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आना है और उसके बाद आपने लाइटन पे आकर स्क्रीन कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने उसकी ओपेसिटी को 10 या फिर 15 पॉइंट तक एडजस्ट कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपने सिंपली यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने नीचे यहाँ पे ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फोर्थ नंबर पे गुचियन ब्लर को ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद आपने इसे ओपन करना है और इसकी ओपेसिटी को फ्रेंड्स आपने फुल कर देना है 2 पॉइंट तक। उसके बाद फ्रेंड्स आपने सिंपली यहाँ से बैक चले आना है। अब आपने फ्रेंड फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और एक और आपने शेप ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने इसे भी अपनी वीडियो के ऊपर जूम कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसका कलर जो है सेम इसी तरीके का रख लेना है जो मैं आपको यहाँ पे रखकर दिखाने वाला हूँ। आपने इसका कलर सेम इसी तरीके का बना लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने सिंपली यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले आना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपने ऐड इफेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स इस बार आपने थोड़ा सा नीचे आना है अदर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आपने कॉपी बैकग्राउंड वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है।
उसके बाद फ्रेंड्स आपने फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है। इस बार फ्रेंड्स आपने यहाँ से ब्लर वाला इफेक्ट भी ऐड कर लेना है। ब्लर इफेक्ट ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपने फिर से ऐड इफेक्ट करना है और इस बार आपने कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आकर आपने एक्सपोलर गामा को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपने इसकी ओपेसिटी को -0.85 के अराउंड में एडजस्ट कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपने फिर से यहाँ से बैक आना है और फिर से आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले आना है। फिर से आपने कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पे आना है और आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद आपने इसे ओपन करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसे -16.5 तक एडजस्ट कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपने फिर से आ जाना है बैक। बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आना है और डिफरेंस पे आकर आपने इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपने फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और एक और शेप ऐड कर लेनी है। इसे भी अपनी वीडियो को ऊपर जूम कर देना है। इसका कलर आपने रख लेना है व्हाइट। उसके बाद फ्रेंड्स आपने फिर से ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आना है, कंट्रास्ट पे आकर इसे ओवरले कर देना है। अब आपने फ्रेंड फिर से एक शेप ऐड करनी है। इसे भी आपने अपनी वीडियो के ऊपर फिल टू कंपोजिशन एरिया कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसका कलर यहाँ पे ब्लू या स्काई रख लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, ऐड इफेक्ट करना है और सबसे पहले आपने कॉपी बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद फिर से ऐड इफेक्ट करना है। इस बार फ्रेंड्स आपने यहाँ से सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस को सेट कर लेना है। उसके बाद आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपने सैचुरेशन को +2 पॉइंट तक एडजस्ट कर देना है। तो बस इतना करने के बाद फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ऑल स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पे मेरी वीडियो की क्वालिटी देख सकते हैं, सेम पहले की तरह की बन चुकी है जैसे मैंने आप लोगों को सेम प्रीव्यू में दिखाई थी। बस इन्हीं तमाम स्टेप्स को फॉलो करके फ्रेंड्स आप लोग किसी भी एडिटर की बहुत ही इजिली तरीके से एक्शन फाइल जनरेट कर सकते हैं। सो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत इजिली तरीके से किर्क सर्कल की एक्शन फाइल जनरेट कर ली है। अगर आप में से किसी भी भाई को एक्शन फाइल अभी तुरंत चाहिए तो आप लोग मुझसे आकर व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, बट आप लोगों को वहां पे ये पेड मिलेगी। सो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट ट्रेंडिंग वीडियो के अंदर। आप सब दोस्त अपना ख्याल रखना। बाय।